बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल के साथ खालिद वान थे। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं ओरियन के डीसी इन्वर्टर एसी और उसका जो मॉडल है डिवाइन, उस पर हम रिव्यू करने जा रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। आपको इसमें बताएंगे कि इसके मैक्सिमम अम्पेयर्स कितने लेता है और मिनिमम अम्पेयर्स कितने लेता है जब टेम्परेचर अचीव करने के बाद। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए, तो हमारे साथ बने रहिएगा। चले तो जी दोस्तों, अब वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। और हमने इसको जो है एम्पेयर मीटर जो हमने ये इसकी मेन वायर पे लगा दी है, और अब इसको हम ऑन करेंगे एसी को। तो इसको अभी हम ऑन करेंगे जी दोस्तों, इसको हम ऑन करेंगे 16 पे, ताकि हमारे पता चले कि इसके जो मैक्सिमम एम्पेयर्स क्या है। ये रिमोट आपके सामने है, तो इसको हम भी ऑन करते हैं। ये हमने ऑन किया और इसकी जो फैन स्पीड है उसको भी हम स्ट्रॉन्ग पे कर देंगे। ये हमने स्ट्रॉन्ग पे कर दी है और ये, और इधर से हमारा जो है कंप्रेसर ऑन हो चुका है और ये एम्पेयर जो है वो स्टार्ट करती है। इसने लेने 2.9। ये ओरियन का डीसी इन्वर्टर डिवाइन है 18G 1.5 टन का। उस पर हम आज रिव्यू कर रहे हैं और उसके मैक्सिमम और टेम्परेचर अचीव करने के बाद मिनिमम अम्पेयर कितने रहते हैं वो इस वीडियो में आज आपको बताएंगे और आपको दिखाएंगे। दोस्तों, इसके जो अम्पेयर्स हैं वो 4.7 तक, 4.8 तक पहुंच चुके हैं। बहुत सारे दोस्तों का मैसेज और कमेंट्स है हमारे साथ कि आप जो है ओरियन डीसी इन्वर्टर एसी 18G डिवाइन का जो है रिव्यू का भी रिव्यू करें, तो आज हम उनके लिए ये रिव्यू लेके आए हैं मैक्सिमम और इसके मिनिमम अम्पेयर्स पे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर दोस्तों देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और आपके नॉलेज और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपके आपको ये पता चलेगा कि आपका जो एसी है वो कितने एम्पेयर्स कंज्यूम करता है और कितनी बिजली कंज्यूम करता है। तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि 7.1 जो है ये एम्पेयर्स तक पहुँच चुका है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, क्योंकि तो आपके लिए ये वीडियो लेके आते हैं और आपकी जो हमारे साथ मोहब्बत और प्यार है, जिस तरह चल रहा है हमें इसी तरह आपका प्यार और मोहब्बत चाहिए और हमेशा के लिए चाहिए। इस वीडियो तक नहीं, जब तक हम हैं तब तक के लिए आपका जो है वो हमें इसी तरह का हौसला और जिस तरह आप करते हैं हौसला अफजाई करते हैं हमारे कमेंट्स करके और जिस तरह आप लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं इसी तरह। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं कि 9.1 तक जो है ये पहुंच चुका है और बाहर का आज टेम्परेचर जो है वो तकरीबन जो है 40 के करीब है, 39-40 है, 38 से ले 40 तक है। और जो फीलिंग्स हैं टेम्परेचर की वो तकरीबन जो है 45 तक है। और दोस्तों, ये पहले से इस रूम में एसी हमने चलाया हुआ था और इसका जो रूम टेम्परेचर है वो मैं आपको भी दिखा दूं, इसका रूम टेम्परेचर 30 है। तो आपको जो है इसके जो मैक्सिमम अम्पेयर्स और मिनिमम अम्पेयर्स है वो आज आप इसके वीडियो में आपको दिखाएंगे।
तो आपने करना क्या है, आपने एक वीडियो का कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों ये 9.5 तक जो है बेस कैंप पे पहुंच चुके हैं। और दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें कि जितने भी ओरिएंट के मॉडल हैं, जैसे कि रॉयल क्लासिक है, बोल्ड है और डिवाइन है और मेगा है, मेगा इसमें मॉडल आते हैं, ये तकरीबन जो है ये सभी एक ही हैं। सिर्फ इनमें फ़र्क इंडोर का है और जो आउटडोर है वो आउटडोर के ऊपर भी लिखा हुआ है कि इस तक जो इनका आउटडोर एक ही है, कंपेटिबल है इन सब पर। तो जो हम आज आपके लिए बना रहे हैं ये आपको तमाम एसीयों का जो है वो रिव्यू मिल जाएगा, जो जो मैंने आपको मॉडल्स बताए हैं ओरिएंट के। और ये आपको देख लिया है कि आपने मैक्सिमम जो एम्पेयर्स हैं वो 9.5 तक जो हैं इसके हाईएस्ट गए हैं मैक्सिमम। तो अब इसके जो है हम टेम्परेचर डाउन करते हैं और इसके आपको मिनिमम एम्पेयर्स भी दिखाते हैं। तो चले दोस्तों अब हम इसका जो है टेम्परेचर, ये हमने 30 इसका टेम्परेचर कर दिया है और जो फैन की स्पीड है वो भी हमने इसकी मीडियम कर दी है। और ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसके जो हम पेज हैं वो कम होने शुरू हो गए, क्योंकि इस रूम में पहले से एसी चल रहा था तो इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो चुका है। क्योंकि उसका आपको मैंने पहले भी दिखाया है कि उसका जो रूम टेम्परेचर है ये आप देख सकते हैं, इसका रूम टेम्परेचर 30 है ये, और ये रूम टेम्परेचर इसका 30 अचीव हो चुका है। और ये दोस्तों आप देख रहे हैं, और हमने वीडियो एक दफ़ा भी जो है कट नहीं की, इसमें कोई एडिटिंग नहीं की, इसमें कोई हमने चीज़ ऐड नहीं की, हमने लगातार जो है इसको बना रहे हैं ताकि किसी को किसी किस्म का कोई डाउट ना रहे कि ये जो है इसमें एडिटिंग की गई है। 4.1 आ चुका है और जैसे जैसे दोस्तों इसका टेम्परेचर अचीव होता जाएगा, नीचे आता जाएगा, इसके जो एम्पेयर्स हैं वो कम होते जाएंगे और इसके जो एम्पेयर जिसके ऊपर ये मिनिमम आता है वो 3.3 तक आता है। अभी 30 है और दिन का भी टाइम है और अपर पोर्शन पे ये एसी लगा हुआ है। फोर पॉइंट वन तक इसके जो एम्पेयर्स हैं वो नीचे आ चुके। अभी जो है ये 3.9 एम्पेयर्स तक ये नीचे आ चुका है। और दोस्तों आप देख रहे हैं 3.5 तक, 3.6, 3.5 तक जो है इसके एम्पेयर्स आ चुके हैं। थ्री पॉइंट फोर है या 3.2 और ये देख रहे हैं आपके सामने 3.1 तक जो है ये आ चुका है। और ये
थ्री एम्पेयर तक इसके एम्पेयर नीचे आ चुके हैं और हमारा मीटर बंद हो गया है, तो हम इसको दोबारा से ऑन कर लें। तो दोस्तों ये 2.9 तक ये जो है इसके एम्पेयर नीचे तक आ चुके हैं, ये आपके सामने है। तो वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर, अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जो के थी ओरियन डीसी इन्वर्टर एसी पर और उसके मॉडल डिवाइन 18G पर। तो वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है एक नई और इन्फॉर्मेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।